चलिए तो ब्रिजेश से हम जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, और भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, अब शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए जिस तरीके की ये तमाम सिचुएशंस है जो हमारे सामने है, क्योंकि जो व्यक्ति चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा परिवार अनाथ हो जाता है, और इनका किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं था। अपना सफर तय करने के लिए निकले थे, लेकिन एक्सप्रेस में एक बार फिर से इनकी जान ले बैठा है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सारी घटना जो है हमारे देश में अगर रोड एक्सीडेंट के बारे में देखा जाए तो आंकड़े बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही गंभीर चीज़ें ये हैं हमारे देश में रोड सेफ्टी को लेकर के। देखिए सबसे पहली चीज़ जो कमी होती है ना, आप देखिए, आप खुद ट्रेवल करिए तो जो सेंस ऑफ ड्राइविंग होता है वो चाहे प्रोफेशनल ड्राइवर हो, गवर्नमेंट का ड्राइवर हो, या कोई भी हो, प्राइवेट ड्राइवर हो, वो हमारे यहाँ सेंस ऑफ ड्राइविंग उसके लिए कोई नॉर्म नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, नहीं वो उनको भी ड्राइवर बना दिया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग ड्राइविंग को बहुत हल्का काम समझते हैं, जबकि ये बहुत कंसंट्रेट होकर करने वाला काम है। 8 घंटे भी अगर आप करते हो तो आपका पूरा शरीर और दिमाग जवाब दे जाता है, तो ओवर टाइमिंग इस चीज में नहीं होनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ने बना दिया। दूसरी चीज ये है कि आप जिस बस को लेके जा रहे हो या जिस व्हीकल को, मैकेनिकली वो फिट है कि नहीं ओवर स्पीडिंग करने पे, ओवर स्पीडिंग कर देने पे या ज्यादा तेज चला देने पे आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मैं बताऊं, गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल ये नहीं है कि आप हाईवे या कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दीजिए। गवर्नमेंट का रोल ये भी है कि 360 डिग्री आप इंश्योर ये करिए कि वो सेफ हो, उसका यूज सेफ हो। ऐसा नहीं कि आपने एक जहाज बना के दे दिया, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, ड्राइविंग लाइसेंस जब इशू किया जाता है बड़े आराम से कर दिया जाता है, बहुत हल्के में लेकर के ड्राइवरों को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद, टेस्ट करने के बाद तब उनको देना चाहिए। इसके बाद रिपीटेड वे में उनको सेंस ऑफ ड्राइविंग डेवलप करने के लिए, उनके दिमाग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए लगातार उनके क्लासेस होते रहें, ट्रेनिंग होते रहें। तीसरी चीज वायलेशन के लिए ये होता है, आप छोटे छोटे शहरों में भी देखिए ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक रूल वायलेशन, इसके लिए गवर्नमेंट या तो सीरियस नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन उसका सीरियस नहीं होता है। एक बार, दो बार, तीन बार पकड़े जाने पे लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, स्पेशली प्रोफेशनल्स और ऐसे बसेस वगैरह जिसमें 50-60, यानी जिनकी जान एक ड्राइवर के ऊपर है, यहाँ पे भी झपकी आने के कारण। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ड्राइवर खाली अपनी जान लेकर नहीं चलता, अपने आप को लेकर नहीं चलता, जो लोग वहां पर उसमें बैठे होते हैं, इस बस में भी 50 से ज्यादा लोग शायद बैठे हुए थे, और उनकी जिम्मेदारी पूरी उस ड्राइवर के ऊपर थी। जब वो खुद ही सही नहीं होगा, हो सकता कि वो नींद में था। सबसे बड़े उसके पीछे जो मैकेनिकल, जो हमारे अभी जो पुराने मेहमान हैं, हाँ, उन्होंने कहा था कि मैकेनिकल डिफेक्ट वो एक बड़ा इशू हो सकता, और हो सकता कि वो नींद में था। सबसे बड़े उसके पीछे जो मैकेनिकल, जो हमारे अभी जो पुराने मेहमान हैं, हाँ, उन्होंने कहा था कि मैकेनिकल डिफेक्ट वो एक बड़ा इशू हो सकता, और अगर मैकेनिकल डिफेक्ट इस जांच में आता है तो उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अधिकारी उसमें फंसेंगे, और ऐसे में वो अपनी गर्दन, कम से कम महकमा अपनी गर्दन, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि प्राइमर फेसी अगर कोशिश करेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हर पहलू को देखकर इस पर रिपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं, हमारी सड़कें जो है अपग्रेड हो रही है तो हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, हमारे व्हीकल की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है ना सेफ्टी के नाम से, आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जितनी बसें हैं जो भी हैं, अगर 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे क्या वो मैकेनिकली फिट है कि इमीडिएट। चलिए मिश्रा जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल मेरे पास।